नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, कोरोना संकट के बाद अब जैसलमेर में पर्यटकों की आवक शुरू हो चुकी है और इन दिनों जैसलमेर के किले में भारी संख्या में पर्यटक नज़र आ रहे हैं। लगभग 8 महीने के बाद में फिर से जैसलमेर के पर्यटन स्थल गुलजार हो चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ा संकट यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए झेलना पड़ा। जब पर्यटक नहीं आ रहे थे तो यहाँ के जो गाइड हैं और जो यहाँ का छोटा मोटा सामान हैंडीक्राफ्ट का बेचते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। और 8 महीने मंदी से जूझने के बाद अब कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है, लेकिन दीपावली से पहले जो बंगाली पर्यटक आते थे वो इस बार नहीं आए और अब दीपावली की छुट्टियों के बाद में गुजराती पर्यटक कुछ ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हर वर्ष जितने पर्यटक दीपावली के बाद जैसलमेर घूमने के लिए आते थे उतने लोग नहीं आ रहे हैं, मात्र उसका 5-7% पर्यटक ही जैसलमेर आ रहे हैं और वो भी ऐसा लग रहा है कि शायद 2-4 दिन के बाद ये पर्यटक भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि संख्या इनकी बहुत कम है और ज़्यादातर पर्यटक सावधानी बरत रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं और जो खौफ है कोरोना का वो अभी भी बरकरार है। और जैसलमेर में जो भीड़भाड़ वाले इलाके तो नहीं हैं, लेकिन पर्यटकों के कारण जो भीड़ हुआ करती थी किले के अंदर वो इस वर्ष बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है और पर्यटक आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट के बाद में अब कुछ राहत की बात दिखाई दे रही है कि यदि निरंतर पर्यटक जैसलमेर में आते रहे तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, ऊँट चालक हैं और यहाँ के जो पर्यटक गाइड हैं, उनके लिए एक राहत की खबर हो सकती है कि यहाँ का पर्यटन व्यवसाय अब शुरू हो चुका है। और अब हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद जो खौफ नज़र आ रहा है पर्यटकों में वो भी समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर वो एकदम बेखौफ के जैसलमेर भ्रमण कर सकेंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं ये जैसलमेर के किले के अंदर का जो माहौल है पर्यटकों के लिए वो बड़ा ही सुकून देने वाला नज़र आ रहा है। कुछ पर्यटक नज़र आ रहे हैं इसलिए, और वो कुछ पर्यटक ख़रीदारी भी करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय से जो लोग गुजरात में क्या पूरे विश्व में मंदी छाई हुई थी उसका असर जो आने वाले पर्यटकों के ऊपर भी पड़ रहा है, क्यों उनके पास अब शायद इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो बहुत जमकर जो ख़रीदारी करते थे, जो खुले हाथ से जैसलमेर आकर ख़र्चा करते थे, उतना ख़र्चा इस बार करते नज़र नहीं आ रहे हैं और कम ही संख्या में ख़रीदारी कर रहे हैं, गाइड भी कम ही करते हैं, अपने आप खुद ही घूम रहे हैं। लेकिन सुकून की बात यही है कि जैसलमेर में अब पर्यटक आ रहे हैं और अब ये यदि लगातार आते रहे तो ये जैसलमेर और पूरे राजस्थान के लिए और यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर हो सकती है। जैसलमेर जी दरिया